जय श्री कृष्णा। आज गीता जयंती उत्सव कमेटी की तरफ से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन जलंधर के महानगर में श्री पंडित केवल किशन शर्मा जी और रविशंकर शर्मा जी की अध्यक्षता में और पद्म श्री विजय चोपड़ा के सहयोग से निकाला जा रहा है, जिसमें सभी भक्तजनों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी ही बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आज हम विशेष जगह सरस मास मस्ता समिति की ओर से इन्होंने स्वागती मंच लगाया है। इनको मैं हार्दिक बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज श्री कृष्ण जी के गीता उपदेश के उपलक्ष्य में जो आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसमें फलों का लंगर और स्वागती मंच लगा के भक्तों को साब रहे हैं। इनको मैं बधाई देती हूँ, हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इनकी उम्र इस समय 88 साल हो चुकी है। सन 1936 में पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट मिंदपुरी पाकपटन में इनका जन्म हुआ। जब पार्टीशन हुआ तो इनकी उम्र 11 साल थी। यहाँ पर पंजाब में शिफ्ट किए और बीटी की, उसके बाद ये यहाँ पर जलंधर में सनातन धर्म स्कूल में अध्यापक कार्यरत हुए। हर वर्ष ये गीता प्रचार शुरू करने से पहले एक महीना पहले सारी कमेटी के साथ कुरुक्षेत्र में ज्योति सर, जहाँ पर भगवान कृष्ण जी ने 5000 साल पहले उपदेश दिया था, वहाँ पर जाकर सारी कमेटी आशीर्वाद लेती है और फिर यहाँ पर आते हैं। वहाँ पर मीडिया वाले लोग भी आए होते हैं। उन्होंने, उनका ये कथन था कि सबसे पहले जो शोभा यात्रा हुई है जो संसार में और भारतवर्ष में, वो जालंधर से शुरू हुई है जो आप भव्य रूप धारण कर दी है। आज भी भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश 5000 वर्ष पूर्व दिया, जबकि अर्जुन को मोह हो गया था, तो उस मोह को दूर करके भगवान ने कहा आत्मा हजार अवर है, श्री नाशवान है। श्री गीता जयंती महापर्व के शुभ अवसर पर श्री गीता जयंती महोत्सव कमेटी की ओर से 40वीं श्री गीता जयंती शोभा यात्रा जो है बड़ी मर्यादित और वैदिक सनातन मर्यादा से जो है वो निकाली जा रही है। भगवद गीता का विशेष संदेश जो है आज की युवा पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए है कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज्ञानवान हो, संस्कारवान हो, उनकी जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, निर्णयात्मिका बुद्धि है, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में सबसे बड़ी बात जो कही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमें कर्तव्य करना है, फल के पीछे नहीं भागना है, फल तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो भगवद गीता में कर्म की प्रधानता है, तो हमारे बच्चे जो हैं वो ज्ञानवान हो, संस्कारवान हो, उन किसके लिए हम ये चाहते हैं कि भगवद गीता का जो अध्ययन है सब स्कूल कॉलेजों में कराया जाए, हमारे बच्चे जो भगवद गीता का अध्ययन करें। तो आज के इस शुभ अवसर की मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं श्याम सुंदर शर्मा, जनसंपर्क अधिकारी, गीता जयंती महोत्सव कमेटी सारे शहरों का धन्यवाद करता हूं कि आज शोभा यात्रा है और बधाई। ये हमारे जो साथ में खड़े हैं पंडित केवल कृष्ण शर्मा जी, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, कुछ हार्ड हियरिंग है, ये समझ नहीं पा रहे थे, तो मैं इनके बिहाफ पर बोल रहा हूं। इनके बारे में बताना चाहता हूं कि इन्होंने 40 साल पहले अखिल विश्व गीता महामंडल की स्थापना की और उसके बाद 40 साल पहले ही पहले सम्मेलन शुरू किया और फिर गीता जयंती शोभा यात्रा शुरू की। और ये प्रेरणा इन्हें अपने पूर्वजों से, और जो हमारे पूर्वज थे दादाजी माता पिता, इनसे मिली, उनके संस्कारों से इनके ये संस्कार पैदा हुए। और ये यहाँ पर अध्यापक थे, पढ़ाते भी थे, और इनका जो लक्ष्य था वो शुरू से ही, इससे पहले भी सिर्फ धर्म प्रचार और गीता प्रचार ही था, और इसी को लेकर इन्होंने पहले अखिल विश्व गीता महामंडल की स्थापना की 50 साल पहले, और इस बाद
40 वर्ष पहले ये 40वीं शोभा यात्रा है गीता जयंती की। 40 वर्ष पहले गीता जयंती की शोभा यात्रा की शुरू की, जो आज भव्य धूप धारण कर रही है। और फिर उसके बाद 25 साल पहले गीता जयंती महोत्सव कमेटी बनी, जो इनके सुपुत्र पंडित रविशंकर जी उनके अध्यक्ष हैं, वो सुचारू रूप से चला रहे हैं सबका। बड़ा पहले जब शुरू की थी तो लोग ये नहीं जानते थे कि गीता जयंती है क्या। आज हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना गीता का प्रचार हुआ। और केवल कृष्ण शर्मा जी फाउंडर गीता जयंती महोत्सव कमेटी के, ये इनकी उम्र इस समय 88 साल हो चुकी है। सन 1936 में पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट मिंटकुरी पाकपटन में इनका जन्म हुआ। दादाजी हमारे महान विद्वान थे, पंडित थे, पिताजी भी बड़े विद्वान थे। फिर जब पार्टीशन हुआ तो इनकी उम्र 11 साल थी। ये संस्कार तभी से थे इनके, और इन्होंने फिर बाद में उत्तर प्रदेश में नगीना में इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद चंदौसी में ग्रेजुएशन की, कानपुर में संस्कृत और एमए इंग्लिश की। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर पंजाब में शिफ्ट किए और बीटी की। उसके बाद ये यहाँ पर जलंधर में सनातन धर्म स्कूल में अध्यापक कार्यरत हुए, और इनको रिटायरमेंट को लगभग 20 साल हो गए हैं। और ये शुरू से ही जब अध्यापक थे तभी से 50 साल पहले ये शुरू से इनकी रुचि गीता प्रचार में थी। हम दो भाई हैं इस टाइम, और इनके और परिवार में इनके सब परिवार, मेरा परिवार, इनके भतीजे और इनके सुपुत्र पंडित रविशंकर जी जो अध्यक्ष हैं, और इनके पौत्र शशांक शर्मा वो इंजीनियर हैं, वो भी सब साथ जुड़े हुए हैं। इनकी बेटियां भी और इनके जो सारे रिश्तेदार राजस्थान में तलवाड़ा में, सबको इन्होंने जोड़ा हुआ है। हमारा परिवार इसी गीता जयंती की वजह से सब संगठित हैं, और यहाँ पर हर वर्ष वो आते हैं और सम्मिलित होते हैं गीता जयंती में। तो इन्हीं की, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं पंडित श्यामचंद्र शर्मा, और ये मैं बैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ, और इन्हीं के संस्कारों की वजह से आज भी मैं इस गीता जयंती के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और सारा परिवार हमारा इनके साथ है। और भी रिश्तेदार हैं, इनके बाल सभा बनाई थी और उसके बाद गीता जयंती शुरू की, जो बहुत भव्य रूप धारण कर गई। मेन लक्ष्य इनका बच्चों को शिक्षा देना, ये बच्चों को मंदिरों में जाकर गीता पाठ करते, जब 50 साल से उनको गीता के बारे में बताते थे, यही इनका लक्ष्य था। धन्यवाद। मैं राहुल हवारी, संयोजक श्री गीता जयंती महोत्सव कमेटी जलंधर, आज 40वां वार्षिक शोभा यात्रा जो कि पंजाब के सी ग्राउंड से निकल के सारे शहर की परिक्रमा हमने अभी करनी है, जिसमें ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से हम शहर की पूरी परिक्रमा को पूरे करेंगे। और संदेश यही है युवाओं के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गीता जी का साथ जरूर हमारे जो है अपना ना जुड़ें, क्योंकि सनातन धर्म में गीता जी का बहुत बड़ा महत्व है। इनको पढ़ें और अपने जो है रोजाना की दिनचर्या को सुचारू ढंग से जो है जरूर चाहें, कम से कम एक श्लोक युवा पीढ़ी से विनती है, जरूर रोज का हम अध्ययन जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अज की शोभा यात्रा भगवान कृष्ण महाराज दे नित में सारे संसार से पंजाब वासियों को, जलंधर वासियों को, भारत वासियों को आज का दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों, गीता जयंती वाले मैंबर वालों सारे बधाई देना हाँ। राहुल बारी जी वालों भी बधाई देना हाँ। अज तुसीं साडे नाल चलो शोभा यात्रा दे विच और परिक्रमा करो, तुहानू भगवान
बहुत आशीर्वाद देगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज बहुत शुभ दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया। ये वो दिन है, मोक्ष का आकाश दी। इस दिन अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान ने जिस शब्दावली में, जिस शब्दों में, जिस स्वरूप में दिया, उसको हम आज श्रीमद् भगवत गीता जी का ग्रंथ कहते हैं, जो हमारा प्रकाश पर्व है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमारी जिंदगी के अनसुलझे कार्य जो हैं उनको सुलझाते हैं। ये वो ग्रंथ है जिसमें हम सभी अपने कष्टों का निवारण का मार्गदर्शन लेते हैं। गीता पर्व एक प्रकाश पर्व है जिसमें ज्ञान का प्रकाश होता है। निरंतर अध्ययन करने से, मनन करने से, पाठ करने से जो हमारे मन को, इसमें हमारे मन की जो त्रुटियां हैं, जो शंकाएं हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है चारों वेदों का सार, जिसमें भगवान के मुखारविंद से निकले हुए शब्द हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी के लिए मंगल कामना करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, सभी जीवों को भगवान अपनी पूरी कृपा प्रदान करे, जिसमें कि हम मंगलमय हों, उसकी कृपा से धन धन्य हों, उसकी कृपा से सारा समाज जो है एक सूत्र में बंध जाए। इसी शब्दों से मैं यीशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भगवान का नाम का गुणगान किया और अब मैं दीदी पूनम शर्मा जी से और उनके आए हुए सहयोगियों से प्रार्थना करूँगा कि वो आई हुई संगत को अपने मुखारविंद से, शब्दों से, वचनों से, संगीत से मंकत मूर्त करें। पूनम दीदी जी, ये नशा जल्दी चढ़ जाए उतरता नहीं है। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, तुमने हमें शराबी बना दिया। चलिए एक बार मैं शेयर करना चाहूंगी, जो भगवत गीता जी है वो भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी को सुनाई। वो वचन है भगवत गीता, और जिन्होंने ये गीता जी सुनाई, जिन्होंने ये गीता ज्ञान दिया, वो क्या है, वो कृष्ण क्या है, किसके बारे में है श्री भागवत, और वो क्या है, वो कैसे है। मेरे पापा के बेहद सावरिया
मैं अपना भाव बता रही हूँ, मुझे वो कैसे लगते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो गाएंगे हैं। इतने लंबे समय से निरंतर शोभा यात्रा का आयोजन करना और सफलता पूर्वक करना, इसमें केवल कृष्ण जी के बाद उनके संरक्षण में रविशंकर शर्मा जी और उनके साथी जो कर रहे हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार ताली वादन करें। अभी स्वामी जी महाराज जिक्र कर रहे थे तीन शरीरों का। ये गीता का ही ज्ञान है, गीता ही हमें बताती है कि हम तीन शरीर लेकर पैदा हुए हैं। एक स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, एक सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसे हम महसूस करते हैं, उसका उल्लेख सदैव करते हैं, और एक तीसरा शरीर जो दिखाई भी नहीं देता, महसूस भी नहीं होता, लेकिन वास्तव में हमें वही चलाता है। ये स्थूल शरीर है, ये हमारा जिस्म, ये हार्ड मास का पुतला। सूक्ष्म शरीर है हमारा दिल, दिल नाम का कोई अंग नहीं है हमारे शरीर के अंदर। मन, ये हमारा मन है सूक्ष्म शरीर। हम कहते हैं मेरा मन ये करता है, मैं कर लूं, लेकिन मन नाम का कोई अंग हमारे शरीर के अंदर नहीं है। लेकिन हम रोज कहते हैं मेरा मन करता है, मैं ये कर लूं। ये मन हमारा सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा शरीर है, हम कई बार जिक्र करते हैं कि मन को नियंत्रित कैसे करें। मन को कौन नियंत्रित करता है? वो हमारा कारक शरीर है। वास्तव में सब कुछ करता वो है, वो मन करता है। कहां से? कारक से। और मन आगे शरीर को आदेश देता है कि ये करो, तो वो करता है। मन चाहे तो ये शरीर मंदिर चला जाता है, मन चाहे तो ये शरीर मदिरालय चला जाता है। लेके कौन जाता है? मन लेकर जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना सीखना है हमने। ये सारा ज्ञान गीता का ज्ञान है। और इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। आज क्योंकि तीन पर चर्चा होगी, तीन का बहुत महत्व है हमारे सारे सृष्टि के अंदर। तीन ही लोक है हमारे, धरती, आकाश और पाताल। तीन हमारे मुख्य देव है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीन है, तीन शरीर है हमारे पास। तीन तरह के जीव हैं धरती पर, जलचर, नभचर और थलचर। तीन ही तरह के शरीर, तीन ही तरह के मनुष्य हैं, पुरुष, नारी और किन्नर। तीन का बहुत महत्व है हमारे जीवन के अंदर। और यही तीन नहीं है, अगर आप गीता को ध्यान से पढ़ेंगे तो अनेक तीन आपको मिलेंगे। जैसे जैसे आप उन्हें समझते चले जाएंगे, हम योगी योग करते हैं, तीन ही तरह के प्राणायाम है। तीन प्राणायाम करना सीख लो जरा, फिर देखो जीवन में परिवर्तन कैसे आता है, और जीवन में ये शरीर हमारा स्थूल शरीर जो है ये स्वस्थ कैसे रहता है। ये तीन अगर आप समझ जाएंगे, और उसको समझने के लिए आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। गीता अगर आप पढ़ते नहीं है, केवल उसे नमस्कार करते हैं, केवल उसको माथा टेकते हैं, तो फिर गीता का ज्ञान दिया है भगवान कृष्ण ने, और उस ज्ञान को आगे बढ़ाने की बात करनी है हमने। भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं कहा अर्जुन को कि ये गीता की एक पुस्तक बनाना और उसे रख लेना और सुबह शाम उसे माथा टेकना। भगवान कृष्ण ने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि इसे पढ़ना, समझना और फिर इस पर चलना। ये भी तीन ही है, पहले पढ़ना, मनन करना, फिर उसको समझना और फिर उस पर चलना। ये भी तीन ही है। ये भगवान कृष्ण ने ये तीन चीजें कही हैं। और हम अगर अपने जीवन में गीता को पढ़ें, समझें और फिर उसके ऊपर चलना शुरू कर दें, तो आर्ट ऑफ लिविंग आ जाएगा, जीने की कला आ जाएगी। ये जीने की कला है स्वामी जी, ये जीने की कला है गीता। लेकिन एक चीज का ध्यान हमें रखना होगा
कि गीता को हमें पढ़ाने का भी प्रयास करना पड़ेगा। अभी स्वामी ज्ञानानंद जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें, तुलसी रामायण की बात करें, सब काव्य में है, और वो काव्य उस वक्त की जो भाषा थी उसमें लिखे गए। आज स्वामी ज्ञानानंद जी ने भी काव्य रूप में हिंदी में गीता को लिखा है। वो अगर हम घर घर पहुंचाएं तो वास्तव में लोग गीता पढ़ सकेंगे, तभी पढ़ सकेंगे। मैंने एक बार पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, सर क्रिश्चियनिटी का प्रसार कैसे हुआ? क्रिश्चियनिटी जिस देश में गई वहां जाके सबसे पहले उन्होंने उस देश की भाषा में बाइबल को प्रकाशित करके लोगों को पढ़ाया। फिर जब वो उस देश के प्रांत में गए, जिस प्रांत में गए उस प्रांत की भाषा में अनुवाद करा के उन्होंने बाइबल को बांटा। पंजाब में पंजाबी में बाइबल मिलेगी आपको, गुजरात में गुजराती में मिलेगी, महाराष्ट्र में मराठी में मिलेगी। हमने गीता को, अपने ग्रंथों को हमने जितना प्रयास करना चाहिए था ट्रांसलेट करके उन प्रदेशों की भाषा में पढ़ाते, हमने नहीं पढ़ाया है। अगर आज भी हम ये प्रयास शुरू कर दें, आज भी अगर हम अपने गीता को, श्री रामायण को, श्रीमद् भागवत को, भागवत के ऊपर कई लोग प्रश्न उठा देते हैं, इसमें ये बात ऐसे क्या सच थी? कुछ भी बिना सच्चाई के नहीं था, लेकिन क्योंकि हम ठीक ढंग से पढ़ा नहीं रहे हैं लोगों को, इसे सरल हिंदी भाषा में और प्रांतीय भाषाओं में अगर हम पढ़ाएंगे तो वास्तव में हम धर्म की सेवा करेंगे, वास्तव में हम गीता घर घर पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आदरणीय विजय कुमार चोपड़ा जी, इनकी भी तीन बातें आज मैं आपको बता देता हूं। ये भी बार बार तीन बातें करते हैं। आजकल कहा जाता है, मोदी जी भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहू जी कहते हैं दो से नहीं काम चलेगा, तीन करनी पड़ेगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ। जब तक बेटियां बसेंगी नहीं स्वामी जी, तब तक मजा नहीं आएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मैं थोड़ा समय ज्यादा ले गया हूँ, लेकिन जब बोलता हूँ थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। लेकिन आप सबका आभार, धन्यवाद, और मेरे साथ मिलकर के ये जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।